नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बीरा एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी ना किसी स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो गलती उनके द्वारा की गई हो या फिर उनके द्वारा ना करके उनको फंसाया गया हो। तो दोनों में कहीं ना कहीं बातें आती हैं कि उनका कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई व्यक्ति ऐसा जो उनका पहले कभी मतलब सगा संबंधी हुआ करता था और अब जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है और बहुत ज़्यादा झगड़े हो चुके हैं। तो अब इस दौरान जो है वो आपका कहीं ना कहीं वीडियो या फोटो वायरल करने की आपको धमकी दे रहा है या फिर कर दिया है। अगर कर दिया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति सॉल्यूशन ढूंढता है और कि बस सॉल्यूशन मिल जाए, कैसे करके ये फ़ोटो या वीडियो हट जाए मेरा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और अगर ये फ़ोटो और वीडियो मेरा हट जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकल जाऊँगा। तो बहुत लोग ऐसे सवाल भी पूछते हैं, बहुत लोग ऐसे फंस जाते हैं, चाहे उनमें लड़का हो सकता है चाहे वो लड़की हो सकती है। जिस समय आपका रिलेशन बनता है उस समय आप बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन जब जब रिलेशन टूट जाता है, टूटने के कगार पर आता है तो फिर आप बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिस दौरान आपके फ़ोटो या वीडियो बना लिए जाते हैं और फिर उस फ़ोटो या वीडियो को बनाकर आपके पास भेजा जाता है कि इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ या अपलोड कर रही हूँ। तो ऐसे समय पर आपके लिए क्या करना है, किस तरीके से बचना है, किस तरीके से अगर फ़ोटो या वीडियो आपका अपलोड हो चुका है तो किस तरीके से उसको हटवा सकते हैं। दूसरा, इस प्रोसीजर के तहत जो है अगर कोई कार्रवाई कानूनी करना चाहते हैं आप तो किन धाराओं में मुकदमा लिखा जाएगा और क्या प्रक्रिया रहेगी। तो आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, वीडियो फोटो आपका किसी भी प्रकार से बन गया हो, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से बना हो, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के माध्यम से बना हो, या फिर आपके और कोई कारण रह चुके हों, या फिर पीछे पुराना आपका कोई इतिहास रह चुका हो जिस कारण आपको लग रहा हो कि सर अब मैं तो बहुत बुरी जगह फंस गया हूँ और अब मुझे इन सब चीज़ों से बचाइए, मेरा वीडियो वो अपलोड कर दिया है। तो जहाँ उसने अपलोड किया है पहले तो उसको आप ट्रेस आउट करें कि वो कहाँ पर अपलोड किया है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या कोई और सोशल मीडिया हो, वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पर जैसे ही वो अपलोड किया है उस अपलोड को वीडियो को आप देखेंगे, जहाँ वो आपका वीडियो चल रहा है या फोटो दिख रहा है वहाँ पर, उस फोटो के बिल्कुल राइट हैंड पर, या फिर हो सकता है कभी कभी किसी लेफ्ट में हो लेकिन राइट पर ज़्यादा मिलता है आपको, उसी के जस्ट ऊपर आपको तीन बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। उसमें उन तीन बिंदुओं पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें कहीं ऑप्शन आ रहा होगा रिपोर्ट करने का। रिपोर्ट जहां पर आपका ऑप्शन आ रहा है उसी पर आप क्लिक कर दें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो ऑप्शन के बाद वो रिपोर्ट करना क्यों चाहते हैं, क्या कारण है, क्या वो मतलब बलगर है या फिर अब्यूजिव है या ह्यूमिलेट कर रहा है, कुछ भी आपके लिए वो ऑप्शन आएगा और उस ऑप्शन पर आप क्लिक करके अपनी टिप्पणी उसके भीतर डाल दें। 24 घंटे के अंदर वो फोटो अगर हट जाएगा, अगर किसी प्रकार से वो गलत फोटो या फिर वीडियो है, चाहे वो कोई सी भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह कुछ भी हो, तो आप जहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में लग रहा है कि हाँ यहाँ पर अपलोड कर दिया है तो आप वो चीज़ें इस प्रकार से हटवा सकते हैं। ये सभी के लिए लागू है, सभी सोशल मीडिया पर जहाँ पर वो ऑप्शन आ रहा है आपके पास में। तो नहीं आ रहा है या फिर नहीं मिल रहा है आपके लिए, तो आपके लिए क्या करना है फर्दर प्रोसेस में, अब फर्दर प्रोसेस आपकी ये है कि आपका जो जहाँ पर वो दिख रहा है, यानी कि जो वीडियो या फोटो आपका दिख रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेकर एक कंप्लेंट अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर साइबर सेल पुलिस को दें और वहाँ पर बताएं कि सर इस व्यक्ति ने मेरा फोटो डाल दिया है, अपलोड कर दिया है और अब मुझे ये धमकी दे रहा है। जो भी आपसे डिमांड कर रहा है, चाहे पैसे की हो या कोई और नीड हो उसकी, वो आपसे डिमांड कर रहा है, वो उसमें लिख पाएं कि सर इस तरीके मुझे एक्सटॉर्ट किया जा रहा है। तो अगर आप इन सब चीज़ों की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस को देते हैं आप, तो मैं कहता हूँ उसके बाद 100% आपका फोटो वीडियो वो हटवा देगा, हट जाएगा, या वो खुद व्यक्ति खुद ही हटा देगा जिस व्यक्ति पर उसकी रिपोर्ट हो रही है। और दूसरा, जब आप ये रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो इसमें जो है आईटी के मुकदमे की धाराएं लगेंगी, ठीक है ना, उसमें मुकदमा दर्ज होगा और आईपीसी की भी धाराएं लगेंगी, इसमें पनिशमेंट मिलेगा और उसको फाइन मिलेगा या हो सकता है उसको जेल भी हो जाए। तो ये आपको प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से आप इससे गुजर सकते हैं, इसको आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आपका फोटो या वीडियो कोई अपलोड कर दिया है तो इस तरीके से आप हटवा सकते हैं उसके लिए। और भी कोई अगर आप हमारी जानकारी हमसे चाहते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पर मुझे जानकारी चाहिए या मुझे इस बात पर लीगल एडवाइस चाहिए, तो आप हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।